Por eso, ¿no? अरे सुन रही हो, वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी। मैं ही ढूंढता हूँ तुम कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बर्पीता कोई और थोड़ा सोचती थी पांडव। ओए पागल हो गया पाजी, सो रहा हूँ ना मैं। ओ बीरे अंकल का काला चश्मा घूम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूँ, तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूँ गुड नाइट। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूँ, तूने मुझे उठाया तो तू जा। बस कर रहा था चला मदद करा त्यांना, दोघा मिळून शोधा त्यांचा चश्मा। चला ते बिन्ने मंदले इन्ने कोण बोलले शल्यो इल्ले रे बिरे ഒരു പഴയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് അല്ലേ, അമിത്ജിയോട് ഞങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലത്തെ പുതിയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പറയും. ആശാനെ ആശാന്റെ കുറെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ഗ്ലാസ് വേണം? ഇതാ ഇല്ല ഇതാ ഏ ചീറ്റിംഗ് ആണ്. ജബി മേ കൺഫ്യൂസ് ഹോത്താ ആ ദോനോ ലാംഗ്വേജ് ബദൽ കെ മുജെ ഓർ കൺഫ്യൂസ് കർ ദേതേ ഹോ. അക്കജി ഓയ് ഓയ് അക്കജി ഏണ്ടാ കൊട്ടടോ തലുപി രൂപോകൽദു. ఏం కావాలి? ఓ కాళా చచ్చబా నీ మిల్ రా, బాత్రూమే తో నీ ఆయనా? అరే ఈ బాత్రూంలోకి నీళ్ళే రావడం లేదు, ఇంకా కళ్ళజోడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మామా అంకజీకి కళ్ళ చష్మా పోగా దిగా ఆల్రెడీ కళ్ళు తొలిగింది, నన్ను ఎంగ నోడ్లి బ్రో. మొదలు నీ ఉడుకో, అమ్మే నాకు నోడ్తీని. సో ముజి మామా క్యూ మనా రే ఆజ్? అరే ছেলে দুটো তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে, একজন এসে একটা প্রশ্ন করছে, পরের জন এসে সেই একই প্রশ্ন করছে. আপনি কি সানগ্লাসটা কোথাও দেখেছেন? না না ഇല്ല കണ്ടില്ല. ഓ അങ്കൽ കാലാ ചച്ചമാ നീ മിൽ രാ, തൂനെ ദേഖാ കഹീ? ഹാ ദേഖാ താ, ഫിർ മൈനെ യേ ലേ. तुम छोड़ो मैं दे दूंगी। अरे भाभी ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए। थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं। कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत अपने शहर अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है। हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ, दिस टू शैल पास, टल जाएगा ये संकट का समय।